हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बेला में। मैं हूँ आपका दोस्त अनूप सिंह। इंग्लिश जानने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज चाचा ऐप एंड मीट न्यू पीपल्स एंड रैंडम वीडियो चैट। तो भाई ये जो है चाचा के नाम से ऐप है, एक्चुअली में चैट चैट का जो है बनाया हुआ है चाचा। और ये ऐप है बेसिकली लोगों से, नए नए लोगों से मिलने के लिए, वीडियो चैट करने के लिए और रैंडम वीडियो चैट करने के लिए, मतलब अचानक किसी का भी वीडियो चैट किसी से भी हो जाए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। तो भाई ये ऐप है और इसको कर लेना है आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद में करना है ओपन। कैसे इसको यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू यूज़ चाचा ऐप। तो भाई यहाँ पे ये ओपन होने के बाद में यहाँ से आपसे अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा, लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। आप चाहें तो फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, गूगल से लॉगिन कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पर फेसबुक से लॉगिन कर लेते हैं और करने के बाद में जो है हमारा प्रोफाइल जो है फेसबुक के थ्रू क्रिएट हो जाता है। होने के बाद में सेलेक्ट कर लीजिए आप मेल हैं फीमेल हैं, आपका बर्थ डेट, और इसके अलावा सबमिट पे आपको कर देना है क्लिक। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको वहां पे चेंज कर लीजिएगा, असली वाली जो डेट ऑफ बर्थ है वो वहाँ पर डाल लीजिएगा। करने के बाद में आपकी प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है उसी यूज़र नेम से जो यूज़र नेम आपका पहले से बना हुआ है। इसके बाद आपको रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है, सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है जो जो आपकी परमिशंस हैं, और इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी मैचिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सर्च होना शुरू हो जाएगी, जो भी प्रोफाइल आपके सामने आएगी एक एक करके आपको प्रोफाइल देखना है। अगर आपको बंदा बंदी सही लग रहा है तो उसके साथ आप यहाँ पर वीडियो चैट कर सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि अभी हमारा सर्च होने के बाद में एक प्रोफाइल हमारे सामने आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल दिख रही है, बंदा जो है ब्लर में है अभी, तो ब्लर इफेक्ट जो है हम भी अपने अपने इसमें ब्लर अभी ऑटोमेटिकली ब्लर ही रहता है। फिर आप सर्च करेंगे फिर ये कोई प्रोफाइल हमारे सामने आई है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखा, और यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली जो है प्रोफाइल सर्च हो रही है, मतलब सर्च होता रहेगा ऑटोमेटिक, और जो जो प्रोफाइल वहाँ सामने आते जाएगी तो आप जो है उससे कनेक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और वीडियो आप चैटिंग वहाँ पे कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली सभी लोग ब्लर रखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्लर है। और यहाँ गिफ्ट का ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, गिफ्ट भी आप उनको कर सकते हैं। गिफ्ट के लिए आपको जो है कॉइंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, कॉइंट्स को कैसे बाय करना है ये मैं आपको अभी बताऊँगा। फिलहाल आपको यहाँ पर आप जब कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आपको खुद दिखती रहेगी। इस साइड हम ऑप्शन में देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर पर हमको ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं चैट चैट के, और यहाँ पे आपको चैट चैट ऑफिशियल का एक ऑप्शन है जिसके अंदर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो भी होगी वो देखने को मिलेगी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन कस्टमर सर्विसेज का है, जिसमें आपको कस्टमर सर्विस, अगर कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आपको है तो आप कस्टमर सर्विस में क्लिक करके और उसको खोल के देख सकते हैं। तो आप कस्टमर सर्विस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में उसके अंदर में आप उसको हाय हेलो जो भी आपको लिखना है उसको लिख के भेजिए, या जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कॉइन्स नहीं खरीद पा रहे हैं या चैटिंग नहीं मिल रही है या लोग नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख के उनको भेज सकते हैं। और उसका रिस्पांस जो भी वहाँ से आएगा वो आप उनसे बात करके और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बैक आएंगे यहाँ पर हमें तीसरा ऑप्शन दिया सिस्टम का, मैसेज सिस्टम का, इसमें आपको जो भी सिस्टम की तरफ से मैसेजेस आएंगे, मतलब ऐप के थ्रू मैसेज आएंगे, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन देखें यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन है, जहाँ पे आपके कॉइन 35 दिख रहे हैं, आपके 50 कॉइन्स आपको शुरू में दिखेंगे। जैसे ही आप इस प्रोफाइल्स के साथ में सर्च करते जाएंगे आपके 5-5 कॉइन कटते जाएंगे अगर आप वहाँ पे फिल्टर सेट करते हैं बॉयज़ या गर्ल्स का। इसके अलावा यहाँ रिचार्ज का ऑप्शन दिया है, रिचार्ज का ऑप्शन इसलिए दिया है कॉइन्स को ऐड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कॉइन्स को ऐड करना है, हमें कुछ कॉइन्स जोड़ने हैं, जैसे जॉइंट्स आपके ख़त्म हो जाते हैं बात करते करते, तो आपको यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप रिचार्ज पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको अलग अलग पैकेजेस मिलेंगे, जहाँ के अंदर में आपको जैसे अगर आप 2000 कॉइन्स लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 1650 का ऑप्शन है। ऐसे ही छोटे ऑप्शन भी 80 रुपये के में आपको 100+100 200 कॉइन्स मिलेंगे। जैसे ही आप उन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल वॉलेट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप प्ले स्टोर के थ्रू इसको पे कर सकते हैं गूगल पे से। और इसके अलावा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कस्टमर केयर का है, जिसमें आप कस्टमर केयर से बात करके उसके अकाउंट में डाल सकते हैं और वो आपको यहाँ पे दे देगा, जो भी कॉइन्स हैं वो आपको अवेलेबल यहाँ पे करा देगा आपके अकाउंट में। तो अगर आप गूगल से पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा था, जिसमें आपको गूगल पे से पे करना है
और करने के बाद में वो कॉइंट्स आपके ऐड हो जाएंगे, और फिर आप उन्हीं कॉइंट का यूज़ करके गर्ल्स या बॉयज से जिससे भी बात करते हैं उनको आप करेंगे वीडियो चैट करेंगे, और रैंडमली प्रोफाइल पूरे वर्ल्ड के अंदर में आपको जो भी प्रोफाइल है वो वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट का है, इसके अंदर में ब्लैक लिस्ट आप कर सकते हैं जिनको प्रोफाइल आपकी समझने नहीं आ रही है, और जो आपके साथ में अगर उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं उनको आप ब्लॉक करेंगे, वो ब्लॉक लिस्ट में आपको ब्लैक लिस्ट में देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है हर ऐप में होता है यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पे आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे कि कॉइन कैसे बाय करना है, कॉइन क्यों नहीं बाय कर पाए हैं और उनका रीज़न क्या है, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, और कैसे बाय करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, ये सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने में अगर आप एक बार यहाँ पे एज अपनी जो भी डाल देते हैं वो एज एक बार रहेगी, दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अपनी एज और जेंडर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो आपकी कंटिन्यू रहेगा, कन्फर्म रहेगा, उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पर पोर्नोग्राफी, अगर आप कोई भी पोर्नोग्राफिक एक्टिविटी आपकी होती है तो आप अकाउंट से ब्लॉक कर दिया जाएगा और जो दोबारा अकाउंट कभी चालू नहीं होगा, तो ये भी इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है। तो आप इसको जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको इसको पढ़ के आपको जो नॉर्मली हर चीज़ का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। इसके बाद में नीचे सेटिंग का एक ऑप्शन दिया गया है, सेटिंग के ऑप्शन में आपको जो भी इस ऐप के थ्रू सेटिंग है अपनी प्रोफाइल की, जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लर इफेक्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, मैसेजेस नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया है, तो अगर आप ब्लर इफेक्ट की बात करें तो नॉर्मली आप जितनी प्रोफाइल देखेंगे सब में ब्लर इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि शुरुआत में बंदा बंदी एकदम से आपके सामने इंटरेक्ट नहीं करेगा, पहले पहले नॉर्मली ब्लर इफेक्ट जो है चालू रहता है, उसको आप वहाँ से हटा सकते हैं और वापस चालू भी कर सकते हैं, और मैसेजेस नोटिफिकेशंस को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको ऐप को यूज़ करना है, और ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे फीमेल या ऑल लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेल और फीमेल आप सेट कर सकते हैं। अगर फीमेल सेट करते हैं तो 5 पॉइंट्स कटेंगे, और अगर आप मेल सेट करते हैं तो भी 5 पॉइंट कटेंगे, हर पर प्रोफाइल आपको देखने में आपके 5 पॉइंट्स वहाँ पे कटते जाएंगे, जो आपके सामने वहाँ प्रोफाइल आएगी और आप उससे वीडियो चैट करेंगे, उस वीडियो चैट के आपको 5 पॉइंट देने होंगे। तो इस तरह से जो है ये आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ कॉर्नर में जो ऑप्शन है उसमें आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कौन सी प्रोफाइल से अभी इंटरेक्ट किया, तो हमने यहाँ पे अभी हरप्रीत सिंह से इंटरेक्ट किया था, वो उनकी प्रोफाइल हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस तरह से इस ऐप को यूज़ करिए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर केयर का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है उसमें भी जाके आप पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है कस्टमर केयर में आपको ईजिली सारे चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। तो इसी तरह दोस्तों इसको यूज़ करिए और बने रहिए टेक बेला में। स्टे रॉक।